जय श्री राधे राधे सभी को। मैं कमल राजपाल अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आज का जो ब्लॉग है वो सत्यनारायण कथा पर आधारित है। और अभी तो मैं अपने घर में हूं और मेरी एक भाभी जी हैं, तो उनका एक ढाबा चलता है और उनकी फैमिली ने ढाबे पे सत्यनारायण कथा की पूजा रखी है। तो अभी पंडित जी पहले यहीं आएंगे, क्योंकि मैंने ही पंडित जी को फ़ोन करके बुलाया है, क्योंकि कोई पूजा पाठ होती है तो सभी लोग मुझसे पहले कहते हैं कि पंडित जी को बुला देना, तो पंडित जी को मैंने बुलाया है। और अभी पंडित जी आए नहीं हैं, पंडित जी आते ही होंगे, फिर हम भी तैयार हो जाएंगे, फिर आपको वहाँ अपनी जो भी मेरा फैमिली है, फैमिली के जितने भी मेम्बर हैं सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो दिखाएंगे आपको सत्यनारायण कथा। वैसे तो सत्यनारायण भगवान की कथा तो सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा जब सब लोग साथ रहते हैं, आते हैं, तो अच्छा लगता है एक साथ। ठीक है, मिलते हैं आगे। पहले पहले दूर से आई, रुको। आ रहे हैं ना वे सबके पास। तो फाइनली हम आ गए हैं। राधे राधे चाची, राधे राधे, राधे राधे। और दीदी जी मेवा काटने में लगी है। पंडित जी प्रणाम। बढ़िया पंडित जी, राधे राधे सबको। इधर तो बड़ी छाया है, अरे इधर जंगल में झूला झूल रहे हो, झूला झूल रहे हो क्या? अरे छोड़ दो। संध्या दीदी कुछ बोलोगी? चुपचाप बैठी हो। क्या हुआ? हम बहुत बीमार हैं, पर चलो। राधे राधे, राधे राधे। आएंगे का बात है, बड़ा इनकी चाची मिलके है सुबह बहुत होता है। वो ले ले तू ले ले बैठ। अरे कहां वाले कहीं बैठे हो यार, बढ़िया सारा होना पड़ेगा। कमर का दे उठा ले तेरी माटी भर भर धनिया बो दे। सामान मत सब क्या देख रही हो उधर? कौन बउआ? आए बउआ भतीजा। अच्छा आए हैं कहाँ? घर और जो है परिवार की और समस्याओं को चर्चा करिए तो क्या फायदा फिर आने का, क्या मतलब निकलेगा। तो इस प्रकार से नारद जी जाकर देखते हैं कि भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, उनके चार हाथ हैं, लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं और भगवान के एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में गदा है।
सोने का मुकुट धारण किए हुए पीतांबर पहने हुए हैं। ऐसे देवाधिदेव का दर्शन करके नारद जी भगवान को प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति प्रारंभ करते हैं। स्तुति का मतलब ये है कि अगर किसी से आपको काम लेना है तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करिए ताकि वो प्रसन्न हो, तब वो आपका काम करेगा। नमो वाड मांसातीत रूपाय शक्ति आदि मध्यहीना निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूत भक्तानां आसिनासने सुत्वा श्रोतं कृतो विष्णुनार्दं प्रत्यभासत हे वाणीयोर्मन्त्रिपरेश्वरूपाले अनंत शक्ति सम्पन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण सकल कल्याणमय गुरु भगवान से सम्पन्न सावधि आत्मक निखिल सिद्धि महा वाणग्रभ्याभ्याम नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः बाद में अच्छा लगेगा ना। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः स्वाहा। ओम धारण की दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी अंचित फल नो मनवांचित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल में। अब आगे बड़ी होगी, खड़ी रही होंगी। लाओ दो हाथ में, दे दो प्रसाद। बैठेंगे हम, बैठ जाओ साथ में। देखिए झोला में तो नहीं इसमें। और कथा पूजन के बाद अब प्रसाद वितरण। अन्नु हमारी पंचामृत लगा रही हैं। संध्या दीदी चाय दे रही सबको। और यहाँ सभी लोग प्रसाद पा चुके हैं, तो सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ सभी लोग आ रहे हैं कथा में। ठीक, और ये चाय लेके आ रही। हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक है। खड़ी हो जाओ। हाँ, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बोलो जय माता दी। अच्छा आ रहा वीडियो है का पता। और सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। हम अभी प्रसाद ले लेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें। और बस मुझे ज़्यादा फेमस नहीं होना है, बस ये मेरा यही सबसे उम्मीद है कि
जैसे घर समाज में जो वीडियो दिखाई जाती हैं बस वही दिखाने की कोशिश है, और बस सब ऐसे ही सब लोग अपना प्यार दें। जय माता दी।